आप यूजर फेसबुक एंड यूट्यूब, हम सभी जो दार्जिलिंग के स्टूडेंट हैं, आज हम राजीव गांधी अवार्ड श्री जुगलदीप धवन जी का स्वागत करेंगे, जो कि हमारे गुरु जी भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सारे स्टूडेंट जो भी गोल्ड मेडल ब्राउन सिल्वर लाया आज गुरु जी के स्वागत में आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू तुषार, थैंक यू मोहित, थैंक यू कवि, थैंक यू बच्चों। थैंक यू हर्षित कोच, सिर्फ इसी दिन के लिए जीता है कि जब बच्चे उसको अपने कंधे पे उठाते हैं, हार डालते हैं, मेडल गले में होते हैं, इन सारी परेशानियों को कोच भूल जाता है जब उसके गले में उसके बच्चे मेडल डालते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों ने मेरी इतनी डांट खाई, कई बार डंडे भी पड़े मंथन को, श्याम सिंह को, श्याम सिंह से मैं नाराज भी हुआ 3 महीने, लेकिन अल्टीमेटली जैसे एक बहू घर से नाराज होकर चली जाती है फिर वापस आ जाती है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में शाम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मैं सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। और अभी अगले महीने दिल्ली में हमारी एक चैम्पियनशिप है छोटी सी इंटर द जिम, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं और मैं इन सभी बच्चों को दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और यही बोलता हूँ, सत्यमेव जयते, जीत जो है सच्चाई की होती है। कोई भी आपको बुरा इंसान, बुरा दोस्त मिले उससे थोड़ा सा किनारा कर लीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल और है। आप वर्ल्ड लेवल पे जाने वाले हैं और वर्ल्ड लेवल पे वही जा सकता है जो कि एक अच्छा इंसान हो, जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद हो, गुरुओं का आशीर्वाद हो, परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद हो। तो इन्हीं बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा मन में कर रहा ना, बिल्कुल आशीर्वाद हो उसी से करवा। थैंक यू वेरी मच। मेरे को मालूम ही नहीं है ये मेरे लिए बर्फी लाए हुए हैं, मैं इसी में जैसे भी हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, बस बात ही खत्म हो गई। मेरे को सब नाराजियां दूर, कोई टाइम से आता था नहीं आता था, किसी ने स्ट्रेचिंग की नहीं, कोई नहा के, हमारे जिम का नियम है कि हर बंदा नहा के आएगा, जिस दिन कोई नहा के नहीं आता था मैं ट्रेनिंग नहीं कराता था, ना कराता हूँ ना कराऊंगा। लेकिन आज मेरा मन बहुत खुश है कि जो मेरे बच्चों ने मेहनत की है जिम के लिए, मेरे लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए, सभी को भूरे भूरे आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।